हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। मैं आपको सुनाने वाला हूं एक बहुत ही प्यारी कहानी। एक बार एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो भीख से मांग कर जो भी उसे पैसा मिलता था उससे वह अपना खाना खर्चा चलाता था। उसे कभी कभी तो भीख ना मिलने पर पानी पीकर ही रहना पड़ता था। एक बार वो किसी गाँव में जा रहा था, रास्ते में उसे एक ऋषि मिले। उसने सोचा कि ऋषि से अपने दुख का कारण पूछना चाहिए। उसने ऋषि को अपनी सारी बातें बताई तो ऋषि ने उनसे कहा कि तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना है। वहाँ पर कई खाली खेत पड़े हुए हैं जहाँ तुम खेती करके कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन करने के लिए कर सकते हो। किसान उत्तर दिशा की ओर गया और उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही प्यारे से सुंदर से खेत हैं, हरियाली भरे। उसने खेत को जोतना शुरू किया और उसके बाद खेत जोत कर उसमें गेहूं की फसल लगाई और उसने खेत के पास ही रहने के लिए एक छोटा सा घर भी बनाया। इसी तरह से खेत बहुत ही अच्छे से उपजाऊ फसल के साथ तैयार हो गया। सभी फसल को उसने बाज़ार में बेचा और ढेर सारे पैसे कमाए। इसी तरह वह खेत में फसल करता रहा और दिन प्रतिदिन अमीर होता गया। अब उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अब वह बहुत ही सुख समृद्ध तरीके से रहने लगा और भिन्न भिन्न तरह के भोजन खाता। एक बार वह खेत पर बैठ के सोच रहा था कि अब तो उसके पास बहुत ढेर सारे पैसे हो गए हैं, क्यों ना अब वह खेत पर परिश्रम करना कम कर दे और लेबरों से अपना कार्य कराए। लेबर खेत में दिन भर काम करते, जब रात को उसके पास पैसे लेने आए तो उसने लेबरों को धिक्कार दिया, जिससे लेबर खेत छोड़कर चले गए। अब खेत में सभी जानवर घुसने लगे और खेत का बुरा हाल हो गया। इस तरह से फसल बहुत ही लट गई। अब वो बहुत ही चिंतित हुआ कि आखिर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ। तभी वही ऋषि वहाँ पर आए। उन्होंने कहा, यह सब तुम्हारी मक्कारी के कारण हुआ है। तुम जितना परिश्रम पहले करते थे अब उतना परिश्रम नहीं करते हो और खर्चा भी ज़्यादा लगता है। तुम पुनः उसी तरह से परिश्रम करोगे तो तुम्हारा खेत फिर से उसी तरह हो जाएंगे और तुम फिर उसी तरह से धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। दोस्तों, उसने उसी तरह से पुनः खेत करना शुरू कर दिया और फिर से उतना ही अमीर हो गया। प्यारे बच्चों, हमें जो कार्य सौंपा गया है उसे बड़ी ही ईमानदारी से करना चाहिए।